दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो कि नोटिफिकेशन आज ही के दिन आउट हुआ है, तो कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे क्या इस बार चेंजिंग है, क्या डेट है। तो इस वीडियो में आप बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। आप एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एसएससी दो तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल। एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, जो हम लोग बोलते हैं आईएएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद ये सेकंड टफ एग्जाम होता है, जो कि जो गवर्नमेंट जॉब में ग्रेड बी और ग्रेड सी पोस्ट के लिए हमेशा गवर्नमेंट साल में एक बार एग्जामिनेशन लेती है। तो एक साल का वेट करने के बाद फाइनली ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, कब इम्पोर्टेंट डेट है। तो जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिल करने का है वो 4/6/2018, जो 4/6/2018 तक है। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर वन जो 25/7/2018 को होगा और 20/8/2018 तक चलेगा। तो इसी के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं डेट दिया हुआ है, तो इसी के बीच में टायर वन का एग्जामिनेशन होगा। टायर टू का एग्जामिनेशन अभी तक कोई डेट नहीं हुआ है, टायर वन के बाद होने के बाद होगा। डेट ऑफ टायर थ्री का जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो भी अभी कोई डेट रिलीज नहीं हुआ है, और टायर फोर के लिए भी कोई डेट नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये एग्जामिनेशन जो क्लोज होगा वो आज से एक्टिवेट लिंक हो गया है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन को आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये पे स्केल बैंड टू के लिए है वो 9300 से 34800 प्री रिवाइज है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, तो किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो बाद में डिक्लेयर किया जाता है एसएससी द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ दिखाया जाता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हो रही है और आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या उसमें किस मिनिस्ट्री से वो पोस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट है, और ये एज लिमिट है, और ये पे स्केल है। तो यहाँ पे बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के तरह यहाँ पे कोई नहीं दिया जाता कितनी वैकेंसी है, बाद में रिलीज होती है कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कंप्लीट 30 इयर्स है, ऐसे आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट में जो भी है आपको अच्छे पोस्ट लगते हैं, जिसमें आप अपने अच्छे वर्क करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करें, ताकि क्लियर होने के बाद आपको वही पोस्ट प्रेफरेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेचुरल ऑफ डिजेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड पे, उसी तरह सारे पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है। तो आप नीचे आके सेम आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद डिजेबिलिटी क्या होता है, उसको फुल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ कि सेंट्रल सिविल पोस्ट पेइंग द फॉलोइंग ग्रेड पे। तो ये बेसिकली पेड के बारे में सब कुछ बताया गया, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, इंडियन सिटीजन के बारे में क्या क्राइटेरिया है वो सारे यहाँ पे बताया गया है। एज लिमिट जो होता है वो 1 अगस्त 2018 से लिया जाएगा, तो उस इस डेट पे आप जितने एज है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट को अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के लिए जो भी छूट एज में मिलती है वो आपको हर एक पोस्ट में आपको मिलेगी। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, वही पुराना है, तो इसको आप पूरे रीड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन 1 अगस्त क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं होता है, इसमें आप होंगे तो आपको पॉइंट अच्छे बनेंगे, बट आपको मेन डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली इस एग्जामिनेशन में बैचलर डिग्री काफ़ी होता है, तो आप एक बैचलर डिग्री पास आउट हैं कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका जो फ़ी है वो ओनली 100 रुपीस है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा फ़ी नहीं है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में 600-700 होता है, तो यहाँ पे 100 ही है, और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से पेमेंट कर सकते हैं। और ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा, कोई ऑफलाइन अप्लाई करने की नहीं है। तो जो भी एग्जामिनेशन को अप्लाई करें आप
ऑनलाइन ही अप्लाई करें, और एग्जामिनेशन का जो होगा जो टायर वन होगा वो एग्जामिनेशन का जो स्कीम होगा वो टायर वन होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर टू होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो टायर थ्री होगा पेन एंड पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होगा, और टायर फोर होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट वेन एवर एप्लीकेबल, मीन जिस भी पोस्ट के लिए ये अप्लीकेबल है उसी के लिए ये होगा। तो सबसे पहले टायर वन और टायर टू में जो सब्जेक्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है। तो सारे वीडियो मैं अपने चैनल पांडे गुरुजी में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, वहाँ पे जाके हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, जीएस जीके रीजनिंग का, मैथ का, तो इंग्लिश का भी मैं अपलोड करूँगा। तो देखिए और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, रेलवे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एसएससी सीजीएल भी साथ में प्रिपेयर होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। पेपर टू क्वांटिटी एबिलिटी होता है, पेपर टू में क्या होता है रीजनिंग लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन होता है, स्टैटिक्स होता है, पेपर फोर जनरल स्टडी एंड इकोनॉमिक्स होता है। तो आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे भी एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत ही इजी होगा, आसान होगा, क्योंकि जीएस और जीके दोनों का रेलवे और एसएससी का सेम होता है। इंडिकेटिव सिलेबस जो टायर वन का एग्जामिनेशन होगा उसमें यहाँ पे सारे सिलेबस दिया हुआ है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना है, तो ये टॉपिक कंप्लीट देखिए आप, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटिटी एबिलिटी का, रीजनिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन का दिया हुआ है, स्टैटिक्स का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सारे टॉपिक दिए हुए, जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है। तो टॉपिक को देखिए उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन का तैयारी करती है। तो आप एग्जामिनेशन को अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को शुरू से अंत तक खुद से रीड करें और देखें कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है तो ओपी फोर्थ टायर में ये सारे टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये बेसिकली कंप्लीट डिटेल था, फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी अप्लीकेबल होगा जिस पोस्ट के लिए वहाँ पे इसका जा रहे फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसके लिए हाइट इतना मैंडेटरी है, चेस्ट इतना मैंडेटरी है। तो ये बेसिकली कुछ फ्यू डिटेल था आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में, आपको पता था तो भी अच्छा है, नहीं पता तो भी आप इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब और एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।